अस्सलामुअलैकुम सर, उदास उदास लग रहे हैं आप बड़े। किधर आ गए यार? मैं जरा आपको, मैंने कहा आपसे खाना खाता रहता हूँ, आज आपको खाना खिलाऊं। आई ना जाए वो कई दिन। ये पीछे कैसे होती है? ये पीछे नहीं होती, ये जब से इसकी सीटें नहीं बनवाई ये इम्तिहान है, आ जाए। ये आपने नाम भी लिखवाया हुआ है अपना? क्या लिखा हुआ? स्टेनलेस स्टील मांच। स्टेनलेस स्टील मांच, ओ ये हमारी नर्व है भाई, स्टेनलेस स्टील की। सर ये आपकी डेट कहाँ है? देखे जो इस साइज में पूरा आएगा कोई जा सकता है। आप ये हमने रखा हुआ पूरा पूरा। सब नई घड़ी ली है, मुबारक हो आपको यार। आज के दिन घड़ी भी नई है, कपड़े भी नए हैं, जूते भी नए हैं। वैसे आप आज बैंड भी स्पेशल है, ऐसी बर्थडे में अपने आप को ट्रीट करता है यार। ये मेरी बेटी ने बनाए थे और ये मेरा यादगार बैंड है, तो ये मेरे हाथ में रहते हैं हमेशा। क्या ये और घड़ी आज नई है, जूते नए हैं, कपड़े नए हैं। आज मैं जरा सिर्फ ईद पे होता है ना, लोग जरा तैयार होते हैं। गाड़ी के बारे में बताएं, ये जरा बड़ी आपकी यूनिक सी गाड़ी। ये BMW Z3 है एंड ये मेरा क्लेम है कि पाकिस्तान की क्लीनेस्ट Z3 है। और ये चैलेंज भी है, अगर किसी को करना करके देख ले। मैं इसका चेसिस नंबर देता हूँ, इसकी ऑक्शन शीट वेरीफाई करें। ये जैपनीज ऑक्शन से जब खरीदी गई थी तो ये मेरा ख्याल इट वॉज ड्रिवन 58,000 किलोमीटर्स। अच्छा। अब ये 74,000 चली हुई है। और इसका मॉडल ईयर क्या है? ये 2001 मॉडल है, इसमें 2.2 लीटर इंजन में, दो तीन इंजन आते हैं। ये 2.2 लीटर इनलाइन सिक्स इंजन वाली गाड़ी है, बड़ा मशहूर इंजन है BMW का। और इसके अंदर जब हमने ली थी तो ये ब्लैक और ऑरेंज लेदर थी ओरिजिनल कंपनी से। पिछले साल हमने इसकी जरा एल्कंटारा स्टीयरिंग देख रहे हैं आप, एल्कंटारा ये सारा कराया, सीट्स कराई, और ये नाम भी अपना नाम लिखवाया एसिड ग्रीन कलर, आजकल आपको बड़ा पसंद है एसिड ग्रीन। हमने इसके ब्रेक कैलिपर्स कराए हैं। अच्छा। और इसके ऊपर ये एसिड ग्रीन सारा, ये एक्सेंट यहाँ पे भी था पूरी गाड़ी में, अगर आप हैंड ब्रेक पे भी देखें सारे में आपको नजर आएगा। तो सारा कम्बिनेशन तैयार किया और इस गाड़ी को लेके मैंने इसके व्हील्स नए डाले थे, ब्रांड न्यू P0s डाले थे, BBS के इसमें अलॉयज थे। और मैंने इसका कोई काम ऐसा नहीं कराया, सिर्फ एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबल ऑयल चेंज कराए थे। ये आपने खरीदी कब? थोड़ी बहुत सस्पेंशन यार, मैं कराची में था, मुझे याद है हम किसी काम से कराची गए हुए थे, एम्बेसी इन होटल जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम रह रहे थे। हाँ। तो मुझे लाहौर से सेलेट फॉर मी पे गाड़ी लगी थी एकदम, मैंने देखा पार्क व्हील। तो उस जमाने में वो होती थी, क्या नाम था उनका, खातून जो सेलेट फॉर मी देखती थी, नादिया। नादिया, हाँ, मैंने नादिया को मैसेज किया कि मैंने गाड़ी लेनी है। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताऊँगी, जो हाईएस्ट ऑफर आई थी मैंने उस ऑफर प्लेस की, जिन साहब की थी, जब उनको पता लगा वो आगे जब मैं लाहौर आया उन्होंने आके मिला, उन्होंने कहा जी आपको ही देनी गाड़ी। अच्छा। तो इस तरह मैंने खरीदी थी ये गाड़ी, मेरा ख्याल है अब हो चुके हैं इस बात को भी 2-3 साल हो गए। और कितने की ली थी यार? ये उस टाइम पे मेरा ख्याल है अराउंड 3 मिलियन की थी। बड़ी सस्ती अच्छी मिल गई, मतलब उस टाइम पे। उसके बाद मैंने इस पर तकरीबन 8 लाख रुपये लगाया, अभी कॉस्ट कर गई होगी 42-43 की, लेकिन आज ये गाड़ी प्राइसलेस है। इतने में क्या आता है, मतलब आप अगर किया पिकांटो लेने चले जाएं या लेने चले जाएं कोई भी स्विफ्ट 50 लाख जा रही, हाँ, तो ये तकरीबन उस प्राइस की रेंज की गाड़ी है। और इस गाड़ी को मैं 2 दफ़ा इस्लामाबाद लेके गया हूँ। सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल है, मैनुअल कन्वर्टेबल है, ख़राबी के कोई चांसेस नहीं है। और इसको अगर आपको भगा के दिखाऊँ आवाज़ ओ सर, ओ सर, ओ सर, मजाक कर, मजाक करें क्या, मतलब मैं आप बड़े खुश खुश लग रहे हैं। मैं ऐसे ही कह रहा था कि भाई मैं खुश हूं, मेरी सालगिरह का दिन है, मैं खुश नहीं हूँ। आपकी सालगिरह? आज मेरी सालगिरह, मैं इसीलिए अपने आप को ट्रीट करने के लिए सारा कुछ नया पहन के बैठा हूं। आपका मुझे नहीं पता था कि ट्रीट टू सेल्फ है भाई, ये अपने उस पे चल रहे हैं, ट्रीट टू सेल्फ पे चल रहे हैं। कल परसों आपकी कोई सेलिब्रेशन करते हैं, आज तो मौके नहीं मिला डे यार, इस उम्र में क्या सेलिब्रेशन होनी। मैं कल भी सोच रहा था कि खाना खिलाते हैं ना, 0 से मौत तक का माइलस्टोन है, आप और करीब होते जा रहे हैं मौत के, सेलिब्रेट क्या करना है जिंदगी तलाश में, मौत के कितने पास आ गए। ये तो आपने बड़ा कोई दुखी गाना सुनाया, आप क्यों मजबूर हैं ये दुखी करने पे यार? पहले भी आपने कहा दुखी लग रहे, मैं अभी इतने बड़ा तैयार होके कड़ी शड़ी ला के तैयार होकर निकलो, तो आप जरा आजकल आज काला जोड़ा पास आड़ी फरमाए थे तो मैं इतना तैयार होकर निकलूं, आप कह रहे थे उदास निकले। ये वैसे ये मेरे आजकल के मौसम में कन्वर्टेबल गाड़ी कितना मजा दे रही है, कितना अच्छा मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी, आप इंजॉय करते हैं। मुझे डर लग रहा है डोर छोर ना भर जाए आज, नहीं डोर नहीं भरेगी। अच्छा इस गाड़ी का एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये 60 की स्पीड पे आप जा रहे हैं और अगर बारिश हो रही, बारिश कितना भी अंदर नहीं आए। सर ये मेरा तो मुंह ही, आपका तो मुंह बाहर निकला है ना, जराफों की बात नहीं चारों की बात हो रही है, ये तो हमने गाड़ी में जराफा बिठाए हुए वो बाहर थे, आप ही ऊपर से देख रहे थे, आप तो ऊपर से देख रहे हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मसला ये होता है क्राफ्टमैनशिप का, जब सीट फिक्स किया ना मास्टर साहब ने, उन्होंने कुछ गलत लगा दी, ये बिल्कुल ऑपरेशनल थी, इलेक्ट्रिक दोनों इलेक्ट्रिक सीट है, देखिए मेरी वाली चल रही है, देखिए इलेक्ट्रिक, आपके वाली जो है उन्होंने कोई नट फिक्स वेल्ड कर दी है, मुझे लगता है नहीं वेल्ड नहीं किया, वो गलत लगा दी है। अब मैंने उनको कहना है, अच्छा जब ये ली थी तो इसकी फ्यूल की सुई खराब थी, खुद ही सही होगी, हमेशा एंड रहती थी, बाकी इसमें अभी लाइन आ रही है आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल की और ABS की, ABS यूनिट मंगा के डिग्गी में पड़ा हुआ है, अभी तक चेंज 2 दफ़ा कोशिश किया नहीं हुआ। यही मसला डिफरेंस है पाकिस्तान में BMW और मर्सिडीज़ का, मर्सिडीज़ के मैकेनिक भी आराम से मिल जाते हैं, काम शाम भी करते हैं। मुझे याद है मैंने लेते साथ इसके ऊपर तकरीबन 1,00,001 लगाया था, 5-4,000 लगाया था,
सारा कुछ करा दिया था, ABS भी मंगा लिया था, बट वो आज तक किसी से लगा नहीं। वो कहते जी कोडिंग होनी है, ये पुरानी गाड़ी है। मर्सिडीज होती तो बड़े आराम से हो जाता। तो ये BM के मसले हैं। दूसरा, इस गाड़ी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो कैम्बर है ना वही होता है पिछले वाले टायर। अक्सर आप जा रहे होते हैं ना तो लोग आपको जो है ना वो कहते होते हैं कि जी इधर टायर खराब है, इस हद तक टेढ़ा है। ये इसके जेन्युइन इस तरह से ट्रैक्शन के लिए। और ये गाड़ी जो है उस जमाने में आई थी जब 2001 में, तो जेम्स बॉन्ड मूवी में आती थी। इसको जेम्स बॉन्ड कार कहते हैं, या शू भी लोग कहते थे कि आगे से बहुत लंबी है। 2001 में वही था ना, पियर्स ब्रॉसमैन था। इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। जो वो भी लंबा था सर, अच्छा खासा। और भाई ये गाड़ी की सीट नीचे होती है, वो तो उधर मास्टर नहीं था ना। अच्छा, मास्टर ने आपको जराफा बनाया। तो खैर, ये इस गाड़ी की खासियत थी। और मुझे याद है 2001 में लाहौर में ये एक लाल रंग की गाड़ी होती थी, उसका नंबर भी 003 था, और वो हमारे दोस्त थी उन्हीं की गाड़ी थी। अच्छा जी, इसका मैनुअल जो है उसका जो है ना, यार हॉर्न दे दें, इसका डिजिटल नहीं था, एनालॉग लाया जो है ACS में। ये इसकी वो है घड़ी है, ये हीटेड सीट्स हैं, ये स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन है, ये AC का बटन है, ये आपकी साइड के हीटेड सीट के बटन है। अच्छा, और यहाँ पे ये इसके फॉग लैम्प का बटन आ गया। इसकी हेडलाइट का बटन जब मैंने गाड़ी ली मुझे मिली ना, ना यहाँ पे था ना था, पता कहाँ है? किधर? ये लाटू देख रहे हैं सिल्वर। मैं समझा था कि मोबाइल ऑर्डर आफ्टर मार्केट लगा। नहीं नहीं, जेन्युइन हेडलाइट का बटन। इसको एक पॉइंट पे लाएंगे तो इसकी आपकी पार्किंग लाइट ऑन होगी, दो पे लाएंगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ से भी डिपर आएगा। जर्मन गाड़ियों की तरह आपका इंडिकेटर जो है यहाँ पे है, लेफ्ट पे, और राइट पे आपका वाइपर है। और इसकी जो मैंने जब से ली थी, इसकी हेडलाइट जो है ना, वो किसी ने कोई उन्होंने बल्ब को लगाए थे दूसरे आफ्टर मार्केट, वो आप अगर दिखाएं तो वो पिघल गई है। उसके जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाला कवर ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन पिघल गई थी। और आगे से गाड़ी की वो लाइटें भी पेल हुई हैं। हाँ जी, वो मैंने मंगाई है अभी UK में। इसका सामान जो है ना मिल जाता है, तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 28 हज़ार रुपये की मिल रही हैं। पूरा रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया मुझे लगता है। वो ऑन वे है, वो ऑन वे है, वो इसका काम होने वाला है। जब ली थी तो इसका एक पेट्रोल का पाइप था खराब, वो कराया था। सस्पेंशन पूरी ओवरऑल कराई थी, बिकॉज खड़े खड़े प्लास्टिक के पार्ट ना खराब हुए थे। मैंने एक और दो स्टेशन भी बताया, लोग कहेंगे जी क्लीनेस थी और 58 पे आई थी तो 74 हज़ार पे सस्पेंशन खत्म कैसे होगी। जितने प्लास्टिक पार्ट है ना वो गाड़ी के, वो टाइम के साथ खराब हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। मैंने वो सारी सस्पेंशन इसकी चेंज की। जब आप देखें, आप बैठे हुए कितनी स्मूथ ड्राइव है, चारों टायर ब्रांड न्यू डाले थे। तो आप गाड़ी के आपको स्टेयरिंग में देखें, कोई वॉबल कहीं देख रहे नजर आ रही है, बिल्कुल सीधा है। हालांकि इतनी पुरानी गाड़ी, कोई उसमें वाइब्रेशन कोई चक्कर नहीं, और बेहतरीन चलती है। इसमें M पैकेज जो है ना, किट लगी हुई है कंपनी से ही, M इसके यहाँ स्टेयरिंग पे है, दरवाज़ों पे है, मैंने कुछ नहीं किया। पुरानी गाड़ियों में एक और मसाइल होते हैं जो आपको नजर आएंगे। इसका ये स्विच नीचे चला गया, किसी ने कल जोर से दबाया, वो नीचे गिर गया। ये वो हमारी W140 में भी था। अब मैं सोच रहा हूँ आजकल के इसका जो पुराना था ये है ना, ये इसको ये देख रहे हैं, इसको यहाँ तो आजकल के लिहाज से कार्बन फाइबर करा दूँ, ये एसिड ग्रीन भी कराया जा सकता है क्या? मेरा ठीक है वैसे तो, अच्छी यार ये देखें ना, यहाँ से ब्रश कार्बन खराब अच्छा हो रहा है, ये जरा लुक इसकी पुरानी है। ये मिलेगा ना, ये सारा मिल भी जाएगा तो ब्लैक होगा, वो गाड़ी के अंदर वो एक नया सा कलर नहीं डल रहेगा। आजकल आप जरा जिंदगी को कलरफुल बनाया हुआ है आपने। यार जिंदगी में कलर होने चाहिए। देखें, अपना कलर फेवरेट वैसे तो ब्लैक और वाइट ही है जनरली, बट गाड़ी के अंदर ये आजकल जितने आप देखें, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें ये कलर हो गया, या एक ऑरेंज आता है, रस्ट ऑरेंज, वो होती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। स्टॉनिक बना रहे हैं, स्टॉनिक में है ना इस तरह के वाइब्रेंट और ज़रा यूथफुल कलर। दोबारा से यंग हो रहे हैं सर, पतले भी हो गए हैं आप जरा, मतलब लग रहा है। जराफे वाली जुगत का जवाब ये स्टॉनिक कह रहा है, मतलब स्टॉनिक से मिला दिए जाके। ये 2001 में बनी थी, स्टॉनिक पैदा भी नहीं थी तब। अच्छा वैसे करोला सिविक जो है उसका तो पता है कि करोला कंफर्टेबल होती है, सिविक की ड्राइव बड़ी मजेदार है, जरा ग्राउंडेड होती है, हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है। BMW मर्सिडीज में क्या फर्क है? यार BMW मर्सिडीज में भी जनरली है कि BMW जरा ज्यादा सॉफ्ट होती है, और जो मर्सिडीज जो ज्यादा सॉफ्ट होती है अगर सेम मॉडल कंपेयर करेंगे। अच्छा, और BM थोड़ा उस लिहाज से उसकी एग्रेसिव होती है, खास तौर पे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो। अगर आप M पैकेज वाली गाड़ी, सिर्फ उसमें AMG आती है ना, इसमें M पैकेज आता है, उसकी सस्पेंशन थोड़ी हार्ड होती है। बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, अगर आप कंपेयर करें 7 सीरीज वर्सेज S क्लास तो समझ आती है। इसका कंपेरिजन SL के करेंगे, टू सीटर SL की होगी, बट वो हार्ड टॉप कन्वर्टेबल होती है, सॉफ्ट टॉप नहीं होती। सॉफ्ट टॉप में CL की आती थी, वो 4 सीटर होती थी। सो इसे सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल, इसकी पहले कुछ छत भी काट गया था मैंने, वो भी दोबारा बनवाई है। अच्छा, जो प्लास्टिक है ना छत में, वो क्यों काटा? बस पाकिस्तान में लकीरें क्यों मारते हैं लोग गाड़ी में? मेरी CL के ऊपर यहाँ से दरवाजे शुरू होकर ना वो आगे तक लकीर है। मेरी मेहरान पे अक्सर लोग लकीरें मार देते थे, मैंने कहा यार उस पे क्या लकीर मारनी? वो ये नहीं होता कि बस होता है कि किसी को जाते आते बच्चे है, कोई छोटा उसके हाथ में कोई चीज है, उसने शुगल में कर दिया, कोई जीरो काटा खेल रहा होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसकी किसी ने वो ना प्लास्टिक फाड़ दिया था, वैसे भी वो एज गाड़ी के ना वो पीला होकर सख्त हो गया था, तो मैंने भी वो चेंज कराया। तो जब वो कराया था, छत का काम कराया, तो फिर मैंने कहा सीटें भी करा लेते हैं। सर थाने से पहले ना मैंने ऑफिस जाना है, एक जरा चीज पकड़नी है लैपटॉप। नहीं नहीं, वो मैंने ईमेल करनी है। थाने से पहले क्या? खाने 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 थाने से पहले थाने क्यों जाना? थाने मतलब आप होके आए होंगे खाना। ऑल ब्लैक आजकल, आप मुझे कहते हैं कलर, आजकल तो मुझे ऑल ब्लैक चढ़ा हुआ है, हमने सारी गाड़ी ऑल ब्लैक की है।
हाँ वैसे ब्लैक आपका क्रूजर बड़ा अच्छा लग रहा था। क्रूजर कर दिया, सर्फ कर दिया, ताबिश मियाँ की H6 कर दी। अच्छा ऑल ब्लैक कर दी। फैशन में भी यही होता है, गाड़ियों की डिजाइनिंग में भी होता है, विद जो है ना एरा आप देखें चेंज होती रहती है। फैशन पुराने जमाने में क्यू लॉट्स होते थे, फिर अंदर आ गए, फिर पता लगा टाइट जीन्स आई, फिर चौड़ी जीन्स आई, तो फैशन भी साइक्लिकल है। इस तरह गाड़ियों के डिजाइन भी, अगर आप गाड़ियों के देखें 80s की गाड़ियाँ जो हैं वो सारी यूं यूं कॉर्नर वाली थी, फिर 90s में कर्व आना शुरू हुए, फिर कॉर्नर वाली आना शुरू हो गई, तो ये इस तरह ही है। आपका उसमें कहीं और जा रहे हैं, मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूं। मैं भी सर गाड़ियों की बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं। तो अच्छा मुझे बताएं कि V3 अभी आती, Z3 अभी आती है? अभी का नहीं पता, लेकिन लेटेस्ट V3 12-13-14 वाली तो मैंने देखी है। लाहौर में भी एक नीले रंग की है, हमारे दोस्त ऐसे गटन वाले उनके पास है, एक लाल रंग की मैंने गाड़ी देखी है, आती है Z3। और V4 भी इसी जो 2000 वो Z3 में है, आप सही कह रहे हैं। मैं कितना को मैं सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल बुढ़ा हो चुका हूँ। Z3 को Z4 ने रिप्लेस किया था, तो इसके बाद Z4 और V4 की वो चैसी के ऊपर, बल्कि उसी पे वो सुपरा नहीं जो आई है, सुपरा बनी हुई है। ऑफ कोर्स यू आर राइट सर, मैं कार नॉलेज है, ये आखिरी जनरेशन Z3 थी ना, वो एक्टिंग करता हूं, कार नॉलेज। ये आखिरी जनरेशन Z3 थी, इसके बाद Z4 आई थी। मैंने Z4 भी दो दफा रखी, एक दफा 25,000, एक दफा 3,000। सर रख के आप किधर दे देते हैं यार? मेरा मैं हमेशा कहता हूं, जब आप गाड़ी से इंसाफ ना कर सकते हैं तो बेच दें उसके ऊपर जो है ना, नाक बन के ना बैठे। अच्छा अभी तक तो मैं इस गाड़ी से इंसाफ कर रहा हूं, जिस दिन नहीं करूंगा उस दिन बेच दूंगा। आप वैसे चलाते तो बहुत रेयरली, मैंने तो मतलब जैसे मैं रात के टाइम अगर कभी निकलूं तो उसमें, फिर क्योंकि दिन में क्या आप कन्वर्टेबल चलाएंगे, रात के टाइम अच्छा मौसम होता है, अभी शाम है। अच्छा। अभी घर से निकला हूं तो अभी लेके निकले, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। ये लो बहुत है, एक इसका इशू बहुत है, जो बात कर रहे थे भी डिस्कशन, ये ब्रेकर के ऊपर लिटरली टेढ़ी करके भी गुजारें तो आवाज़ आती करके ना नीचे, अभी ऐसे हो जाता है कि बैलेंस करने का नहीं नहीं वो। अच्छा वैसे ये साइज में थोड़ी फर्स्ट लुक में छोटी लगती है, लेकिन वैसे काफी लंबा, बहुत बड़ी है। हाँ खासतौर पे जब इसको आप पहली बारी को बंदा चला रहा हो, आप पार्क करें, आपसे लग जाएगी आगे। मैंने देखा है कि जितना आप स्मार्ट गाड़ियों की आपको आदत हो जाती है ना, उतना आप पुरानी गाड़ियां से सही नहीं चलते। लेकिन इसकी विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है आपको जो लग रहा है ना विजिबिलिटी। हाँ। अभी मैं आपके कहने पे खड़ी करता हूँ, ये दीवार में लगेगी। इसका बोनट बहुत लंबा है, आपको जहां तक कर्व नजर आ रहा है ना उससे भी आगे बहुत ज्यादा है। अगर आप साइड से खड़े होकर दिखाएंगे ना बोनट को, इट्स एक्सट्रीमली लॉन्ग। तो वो मेरे घर में बता रहा हूँ, मुझे अंदाजा था कि गेट आगे है, मुझे नजर आ रहा है, मैंने कहा भी नहीं लगेगी, ढक करके आवाज आई तो वो नंबर प्लेट इसकी टेढ़ी हो गई। वैसे इसका एसी बाकी सारी एवरीथिंग इज वर्किंग ब्रो, एवरीथिंग। और इसका इंजन कितने सीसी था? इसके अंदर जो डेक था वो मैं आपको अपने दफ्तर दिखाता हूँ, वो भी जो है जेनुइन था, वो मैंने भी निकाल के ब्लूटूथ वाला लगाया, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको मिनिमल छेड़ा जाए, जेनुइन हालत में ही रखा जाए, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये गाड़ी जापान इंपोर्ट है, ये इसकी जापान के टोकन भी लगे हुए हैं, देख लें। मैंने जब ली थी तब मैंने ऑक्शन शीट वेरीफाई करा के और इंस्पेक्शन करा के ली थी। अच्छा। वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा क्लेम है वो टॉल क्लेम नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई ऑक्शन शीट थी। तो इंस्पेक्शन क्यों कराई? ऑक्शन शीट जब आई थी 2001 की गाड़ी है, 6 में आई थी, मैंने ली है गाड़ी 2020 में, 14 साल पाकिस्तान में चली, वो भी तो देना कि पाकिस्तान में तो लगी लगी थी। नहीं लगी नहीं थी, लेकिन मैंने चेक तो करानी थी पूरी, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन पेंट में गाड़ी है भाई। कितने सीसी है ये? 2.2 लीटर। अच्छा 2200 सीसी, 6 सिलेंडर है या? और क्या इसकी फॉर्मेशन? वी नहीं है, इनलाइन है, इनलाइन है। अभी इसका एक काम होने वाला है, एक काम होने वाला है विद टाइम, जो इसके बोनट के शॉक है ना वो कमजोर हो गए, आप इसके बोनट को पकड़े तो ये नीचे निकल जाता है। अब ये देखें, ये ब्रेकर है ना यहाँ पे, इसको आपको बहुत प्यार से गुजारना पड़ेगा, वरना ये जो है ना नीचे टकराती है। वैसे इस वक्त मौसम बेहतरीन मौसम है। आप मेरे साथ होंगे तो मौसम अच्छा होता है, डिपेंड करता है आप किसके साथ हैं। सर आप आजकल हाथ में नहीं आते ना, आजकल पहले मैं आपके घर में नजर में आता हूँ, इसीलिए आपने घर पे छापा मार के मुझे गिरफ्तार किया। मैंने कहा पता की बात है, मैं ऑफिस ही रहा था। अच्छा ऑफिस आ रहे थे? और तो ऑफिस अभी बस निकलते हैं ना 10 मिनट सर, अब तो शाम होने वाली है। मैंने असर की नमाज पढ़नी है, एंजॉय करते हैं आपकी तरह बर्थडे, बाहर जाके कहीं जो है ना बुलाते हैं लोगों को। मैं असर की नमाज पढ़ लूं तो इधर ही लगानी है सर, यही तो फायदा है इसका, माशाल्लाह अभी रिवर्स करके इधर ही लगा देंगे। यार वो किस खानदानी आदमी गाड़ी खड़ी है वो कौन सी सर? ये वो जनरेटर वाली जी जी वैगन जी। अच्छा अभी आपको यहाँ पे लगा ना गाड़ी खड़ी, यहाँ खड़ी नहीं होगी बिकॉज ये बहुत बड़ा इसका मोड़। अगर आप मैं निकल के बताऊं नीचे करें तो नजर आएगा, निकल के बताए नहीं लगेगी, उतरे उतरा जाएगा। घुटनों का भी टेस्ट है इस गाड़ी की हाइट की वजह से ना, यहाँ से आगे देखना जरूरी है। हाँ, आने दे, आने दे, आने दे। आगे देखें भाई, पीछे में देख रहा हूँ। हाँ आगे से कर दे, करें पीछे देखें आप, बस ऐसे ठीक है मेरे ख्याल से। पीछे देखें कितनी जगह पीछे है, काफी जगह। आने दो, आने दे, आने दे, बताना, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, थोड़ी सी और बस। बस ठीक है जी जी, फिट है। अब मैं छत बंद नहीं कर रहा थी। हाँ मैं जो आपको जरा कैफे टेबल डांस आने, हाँ टेबल डांस तो ये नाम करके रखे हुए थे, सेशन भी लिखा है रहा। अच्छा ये वो आप बटवा लेने के लिए ऊपर आते हैं? आपने सर टाइम पहले पता था आपकी बात,
इस उम्र का तो मैं आपको कहता हूँ मुबारक वाला काम नहीं है। स्मार्ट है, स्मार्ट भी चले जाते हैं। तो हमारे टीचर है वो कहते थे जिंदगी को देखें पांच मत अपनी यही देखे तो हम चलो चेंज है जो आपको खिलाने वाला काम गलत हो जाता है। ब्रांच साहब ने पैसे रोड पैसे बचाए, इन्होंने वापस जाके वापस करने दिए, ना उसमें कोई बर्थडे लिखी हुई है ना कोई एज लिखी हुई है। मुझे आपने रास्ते में बताया ना, मैं मैसेज नहीं, यही लिखनी नहीं चाहिए, ये तो लिखने वाली चीज ही नहीं है, ये तो उतनी जितनी आप फील करते हैं। यार एज कम ही चल रही है, 37 प्लस टैक्स के करीब करीब पाकिस्तान में कितने परसेंट टैक्स है? 18 पे, हर चीज पे 18% जीएसटी है क्रॉस द बोर्ड। गाड़ी होती तो 25 होता, हो नहीं पा रहा, 25% ना पा दे जी, 37 के करीब करीब है। यार आप जाके गूगल कर लें, आपको एक पता लग जाएगी। गूगल झूठ बोलता है, प्रांता बाजी का एज है मेरी 26। मैं 10 साल पढ़ूंगा, 26 पे तो होर में काटी, 26 साल जो गुजारे हैं, 18 साल जब फैसला पास हो रहा है उसके बाद 26 साल हुआ, तो पहले 18 नहीं काउंट करते। अरे स्पेशल आपके लिए जरा बड़ा दादा नहीं भाई, ये चपट के एक बना के ना जो सारा बच गया था केक की मां। हां मेरी डाइट खराब कर जाते रुके, कितना सेट केक मेरा चल आ गया सब, एक तो खिलाया नहीं आपने। हां उनको भी ये दे दो यार, वो तो कॉफी केक है। हाँ बहुत आना है, नैनो से मंगाया आपने? हाँ जी सर, हम भी हैं कॉफी में, मेरी बात किरण किरण मैं काम लड़कियों भी करेंगे। यार आपने खाना भी मंगाया बस? जी सर। हाँ ये इनके ऊपर सबके प्लास्टिक भी डाला है फ्रांस में, हम केचप इतनी खा रहे हैं वहाँ, बहुत ही खा रहे हैं ना है यार। रजत साहब विशेष दे रहे हैं आपको हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे से मैसेज लेके भेजे मेरे टेबल पे बगैर नाम के, और मैंने पहचान लिया आगे उसका वीजा लगा, मजाक थोड़ी है, मैं तो पोस्ट बनवाने लगा हूँ। हम स्वेब से तार को अमेरिका का वीजा लगने में बारी बात पेश करते हैं, स्लाइड का साइज चेक कर डाल के ला रहे हैं। सही खाए ना अपनी बर्थडे का, एक तो बनता है ना, इतना ज्यादा नहीं खा सकते, नहीं थोड़ा इसको आप करें, हां जाया हो जाएगा ना। इस उम्र से आगे क्या करना है अपने आप को पतला रखे, पतला रखे नहीं फिटनेस के गोल्स होते हैं यार, अभी इवन गोल आएंगे, इसको हाफ कर लेना जाया हो जाएगा। चल ये प्लेट इसमें कर दो, ये प्लेट ये आप ले ले, बाकी आप मैं ले लूं, ठीक है हाफ हाफ कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बार बार ये पेट पे हाथ फेरे ना, पूरा स्लाइस खा ली मैं कल से, 3 खा चुका हूँ स्लाइस, आपने अभी 2 स्लाइस और भी खाने ठीक है 2 3 3 खाने, कितनी सेलिब्रेशन है ये, पहली थी क्या ये? दूसरी है, दूसरी है हाँ, अभी 2 नहीं तीसरी है, एक ही और कर सकते हैं, 4 सेलिब्रेशन से ज्यादा तो चौथी करेंगे ना सर। अच्छा मैं चौथे का बाथरूम भर के जवाब दे दिया, कोई नहीं सेलिब्रेशन नहीं, लेकिन केक बहुत आना है। थैंक यू ब्रांड साहब फॉर अ सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। आप जो है उम्र का तो पूछ रहे थे, उम्र देखे इंसान की उतनी जितनी आप फील करते हैं।
और उम्र कभी भी खत्म हो सकती है, आने का टाइम मुकर्रर है, जाने का नहीं है। जो गुजारे हैं अच्छे गुजारे हैं, पर कोशिश करें कि लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसे आप करते हैं। कोविड पॉजिटिव नहीं, और पॉजिटिव चीज़ें करते रहे, लोगों को दिखाते रहे, ठीक है ना।